या कनाब दो या कनस्तिन आज मैंने अपनी कौम से बात करने की इसलिए जरूरत समझी क्योंकि अभी एक हमारी असेंबली के अंदर एक मिनी बजट आया और ये जो मिनी बजट है इससे एक आवाम के ऊपर एक पूरा एक मजीद और महंगाई का बोझ पड़ने लगा तो मैं अपनी कौम से सिर्फ क्योंकि मैं बड़ी देर से आपसे बातें करता रहा हूं मैं सिर्फ आज इसलिए बात कर रहा हूं कि देखें ये जो हो रहा है ना पाकिस्तान से ये होना ही था जब हमारी हुकूमत हटाई गई तो मैं तब से कह रहा हूं कि मुल्क के मसलों का हल सिर्फ एक है वो इलेक्शंस करवाए और आवाम के मैंडेट से एक हुकूमत लेके आए जो हुकूमत फिर वो फैसले करे मुल्क के लिए जो मुश्किल फैसले हैं लेकिन क्योंकि आवाम के मैंडेट से वो हुकूमत आई होगी वो फैसले कर सकेगी और मैं तब से कह रहा हूं कि इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान के मसले मसाइल का कोई हाल नहीं हमारी जब हुकूमत जो साजिश हुई और जब गिराई गई तो मैंने ये एक चीज बार बार कही कि जो नई हुकूमत आएगी उससे ये मुल्क संभाला नहीं जाएगा जो वो आज कहते हैं जो साहेब के जनाब इमरान खान मुल्क बर्बाद करने लगा था उसको भी बताया कि देखें अगर आपने इस वक्त सियासी इस्तकाम ना कायम किया यानी कि अगर पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो ये जो आपने चोरों का पलंदा जो इकट्ठा करके हमारे ऊपर मुसलत करने लगे हैं ये नहीं संभाल सकेंगे तो आज ये जो मिनी बजट है यह जरा पूरी कहानी देखें कि दस ग्यारह महीने में पाकिस्तान किधर से किधर पहुंच गया और मैं आज ये पहले बजट के ऊपर अपना छोटा सा तबसरा करके मैं आज ये कहना चाहता हूं कि ये रुकना नहीं लगे ये हम अगर आईएमएफ की बातचीत मान भी गए ये अभी यहां रुकने नहीं लगा हमारे मुल्क का जो तेजी से हम दलदल दल में फंसे हुए हैं और फंसते जा रहे हैं देखिए जब इनकी हुकूमत आई तो सबसे पहले दुनिया पाकिस्तान को कैसे देखती थी हमारा जो जिसको कहते हैं एक डिफॉल्ट रिस्क रेशो कि एक मुल्क ने जो कर्जे लिए हुए हैं वो क्या चांस है वो कर्जे का डिफॉल्ट करने का वो पांच फीसद था आज मुल्क के हालात ये हैं कि जो लेटेस्ट जो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी जो बताती है कि पाकिस्तान के माशी हालात क्या हैं उसमें फिच एक एजेंसी है उसने ट्रिपल सी माइनस कर दिया पाकिस्तान को यानी हम अब वो श्रीलंका की स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं कि दुनिया हमें वो देख रही है वो मुल्क जो कि अब एक बास्केट केस बन गया यानी वो डिफॉल्ट के उतना करीब पहुंच गया कि किसी बाहर के मुल्क ने इस मुल्क को कर्जे भी नहीं देने कमर्शियल बैंक से कर्जे नहीं देने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं पाकिस्तान में आनी तो जो आज हालात हैं इसके अंदर अगर हम ये समझ रहे हैं कि आईएमएफ के हम ये बातचीत मान जाएंगे उससे मुल्क ठीक हो जाएगा इस खुशफहमी में कोई ना रहे क्योंकि जो मुश्किल हालात अब यह मजीद और बिगड़ेंगे तो मैं पहले अपनी कौम को सिर्फ याद कराना चाहता हूं कि जब हमारी हुकूमत हटाई गई थी और आज आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ा है? मैं मुखातिब हूँ अपनी आम आवाम से अपनी मिडिल क्लास से सैलरीड क्लास जो तनख्वाह तबका है वो आज किस मुश्किल से गुजर रहा है मैं वो लग्जरी आइटम्स की नहीं बात कर रहा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों की इम्पोर्टेड चीज़ की और और वो जो हमारी आ, पैसे वाले लोग चीज़ें लेते हैं उसकी महंगाई की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ जो सारी जो खीन आज मेरा ये सुन रही हैं जिनको अपनी अपने खाने पीने की चीज़ें जो उनको चाहिए होती है अपने खानदान को सही बच्चों को सही खाना खिलाने के लिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनके ऊपर आज क्या गुजर रही है जरा ये देख लें जब ये सारों ने मिल के ये जो आज पी डी एम के लोग हैं ये सारे कहते थे जी महंगाई हो गई महंगाई मार्च करो चार रुपए हमने वो पेट्रोल की कीमत ऊपर की तो कहा कि पेट्रोल बम गिर गया तो उन्होंने एक दफा वो फजल रहमान आ गया था महंगाई मार्च करके दूसरी तरफ वो काम पे टांगने वाले वो बिलावल आ गया था उसके बाद एक दो दफा फजल रहमान और उसके बाद ये मरियम ने कोई रास्ते में रह गई थी उसकी भी लॉन्ग मार्च लेकिन सब का एक कह रहे थे कि महंगाई से लोग तबाह हो गए तो आज अल्लाह क्योंकि अल्लाक है सच का खुदा है उसकी वादा है कि वो सच सामने ले आएगा जरा आज कौम को बताना चाहता हूं कि आज आटा हमारे दौर में साठ रुपए किलो था आज एक सौ पैंतीस रुपए किलो पहुंच गया जो आम आदमी खाने की उसकी की पीने की चीज है जो घी है वो तीन सौ अस्सी अरब था आज 600 सौ अरब के जी पहुंच गया जो चिकन आम आद, आम आदमी की जो खास तौर पर कभी कभी अपने बच्चों को वो चिकन खिलाते हैं वो तीन तीन सौ पैंतीस रुपए के जी से सात सौ रुपए के जी पे पहुंच गया जो दालें हैं जो आम आदमी घरों में आम आदमी की तो दाल आ, दाल रोटी प्याज प्याज की कीमत दुगनी से भी ज्यादा हो गई है दालें गई हैं ढाई सौ रुपए के जी से चार सौ रुपए और अब किसान देखिए हमें जब तक किसान को नहीं उठाते और जो हमने पूरी कोशिश की उठाने की और माशाल्लाह हमारे दौर पे आखिरी दो साल में किसानों के पास रिकॉर्ड पैसा आया हमने उनको टाइम पे जो गन्ने की फसल कटती थी शुगर मिल से टाइम पे पैसा लेके दिया पूरी कीमत लेके दी कटौती खत्म की टाइम पे पैसा मिलो अपनी जमीनों पे लगाया रिकॉर्ड चार फसलों की रिकॉर्ड प्रोडक्शन दो साल हुई हमारी यानी बंपर क्रॉप्स हुई तो आज वो जो यूरिया इस्तेमाल करता है वो सोलह सौ रुपए हमारे दौर में था आज यूरिया गया है तीन हजार रुपए पे। हमारा जो फिर मैं और भी चीजें जब घर बनाने के लिए सरिया लोग इस्तेमाल करते हैं सीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो सीमेंट गया है आठ रुपए से एक रुपए पे, जो सरिया इस्तेमाल करते हैं वो दो लाख दो लाख रुपया टन से स्लैब से वो गया है तीन लाख पांच हजार पे दो लाख से तीन लाख पांच हजार रुपए अब जिन जो लोगों ने घर बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उन सबको मुश्किलें पड़ गई हैं जो प्रोजेक्ट्स थे हमारे मसना आप सड़कें बन रही थी जो पुराने प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उन सब में मुश्किलें पड़ गई हैं हम जो शौकत हानम बना रहे हैं और जो इनशाला इस साल की एंड में खुलना था कराची में अब वो सारे हमारे जो जो एस्टीमेट्स हैं वो सारे अपसेट हो गए हैं इम्पोर्ट्स रुक गई हैं जो स्टील की इम्पोर्ट्स थी कई चीज़ें रुक गई हैं तो सारे इस तरह प्रोजेक्ट्स जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं सब मुतासर हो गए हैं ये जो कीमतें बढ़ी हैं सीमेंट की और, और स्टील की जो लोग घर बना रहे थे उनके घरों के कीमतें एकदम ऊपर चढ़ गई हैं फिर दवाइयाँ इन्होंने इम्पोर्ट्स के ऊपर जो बैन किया है जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो खास तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं आ, आ, कैंसर की ड्रग्स हार्ट के लिए वो उन सब में किल्लत आ गई है क्योंकि ये जो सोचे समझे बगैर सब इम्पोर्ट्स बंद किए हैं जिसमें मुतासर हो रहे हैं हॉस्पिटल्स और औ, और वो मरीज जिनकी सीरियस बीमारियाँ अच्छा अब अब ये नए बजट आ गए हैं ये मैं आपको बता रहा हूं ये अब तक जो महंगाई हुई थी अब ये जो इन्होंने अभी जो आज लेके आए हैं इसके अंदर गैस और बिजली मैं अब आम आदमी की फिर बात कर रहा हूं कि जो जो गैस का जिसका बिल तीन हजार का आता था वो आज आज हो जाएगा चार हजार तीन सौ का जो बिजली का बिल जिनके घर दस हजार आता था वो तेरह हजार पे चला जाएगा सो ये मजीद ही मैं आपको आज के बिल के बाद आ, जो महंगाई है सेल्स टैक्स अक्रॉस द बोर्ड बढ़ा दी है यानी सारी चीजें क्योंकि सेल्स टैक्स उन्होंने बढ़ाया सारी चीजें इससे महंगी होंगी और जो भी मैंने सरिया की और सीमेंट की बात की थी इनके ऊपर जो गैस सरिया बनाने के लिए जो स्टील मिल्स को गैस जाती थी उसमें चौदह फीसद इंक्रीज कर दिया तो उसकी कीमत ऊपर जाएगी सीमेंट दस फीसद गैस की कीमत इंक्रीज कर दी है तो मजीद उसकी कीमत ऊपर चली जाएगी यूरिया के लिए जो फिर किसानों का मसला आएगा यूरिया के लिए जो गैस सत्तर फीस उस पर सत्तर फीसद गैस की कीमत बढ़ा दी गई है जो यूरिया यानी जो जो खाद की फैक्ट्रीज के ऊपर गैस जाती थी तो उससे एक बोरी के ऊपर तीन सौ पचहत्तर रुपए का इजाफा हो जाएगा अब किसानों के लिए और किसानों को आगे मुश्किल पड़ी हुई है कि उन ट्यूबवेल्स के ऊपर जो बिजली की थी उसकी सब्सिडी खत्म कर दी है, तो मजीद और किसानों के लिए और एक और अजाब आ रहा है अब इससे होगा क्या इससे होगा ये दो चीजें होंगी एक महंगाई बढ़ेगी महंगाई आ गई पचास साल में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है मैंने फिर से कहा कि इनकी सारी कैंपेन हमारे खिलाफ क्या थी कि हमने बहुत ज्यादा महंगाई कर दी हमारे दौर पे जो महंगाई थी वो 12 फीसद थी वो आज पहुंच गई है तीस फीसद के ऊपर और मजीद बढ़ने वाली है जो सबसे खौफनाक चीज है जो फूड इन्फ्लेशन जो खाने पीने की चीजें जो महंगी हुई हैं वो हमारे दौर पे 16 फीसद थी आज चालीस फीसद पर पहुंच गई तो इससे जो आम आदमी है मैं फिर से कहता हूं जो सैलरीड क्लास है पहले तो महंगाई में वो पिसेंगे साथ साथ इन ये जो इन्होंने चीजें बढ़ाई हैं जो इन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर जो इनकी गलत पॉलिसीज थी जो नाहली थी उसे फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं हमारी जो रिकॉर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी हमारी जो इंडस्ट्री इजाफी तेजी से बढ़ रही थी आज वो मनफी पर चली गई है जो इंडस्ट्रीज जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप फैसलाबाद जाके देखें जिधर मजदूर नहीं मिलता था आज बेरोजगारी शुरू हो गई है एक तरफ बेरोजगारी एक तरफ महंगाई इंटरेस्ट रेट उन्होंने रिकॉर्ड ऊपर कर दिए हैं इसका मतलब कि जो भी आप कोई नया कारोबार शुरू करेगा वो सौ दो सोचेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए सूद की शरा इतनी ऊपर चली गई है तो एक तरफ महंगाई दूसरी तरफ बेरोजगारी अब मैं जो आज मेरा असल आज आपसे बातचीत करने का मकसद क्या था अब आगे हम किधर क्या कर रहे हैं जा किधर रहे हैं मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये, ये जो मजीद महंगाई आई है और ये जल्दी जल्दी उन्होंने की है शुरू में इनको समझ नहीं आई क्या करना था अपने एनआरओ के ऊपर इन्होंने वक्त गुजारा इनको सिर्फ एक पड़ी हुई थी कि किस तरह के इनके 1100 अरब रुपए के इनके ऊपर करप्शन केसेस थे वो खत्म हो हम हर साल हमारे साढ़े तीन साल के अंदर हर साल जो नैब रिकवर करती थी चोरी का वो 160 अरब रुपया था हमने 480 अरब रुपया अपने दौर में नैब ने रिकवर किया था हमने नहीं केसेस बनाए थे ये पुराने केसेस थे लेकिन हमारे दौर में नैब पैसे रिकवर कर रही थी क्योंकि हम किसी को बचा नहीं रहे थे अब 1100 अरब रुपए के जो करप्शन केस हैं इन्होंने माफ करवा लिए तो एक तरफ कौ कौम की कमर तोड़ दी है महंगाई और बेरोजगारी से दूसरी तरफ इन्होंने अपने करप्शन के केसेस माफ करवा लिए और तीसरी तरफ रुपया डॉलर के बनस्पत नब्बे रुपया गिरा है कि कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ज्यादा डॉलर महंगा नहीं हुआ और इतनी तेजी से रुपया गिरा नहीं है तो कौम के लिए तो क्या हुआ इससे अगर आपकी तीस हजार रुपया तनख्वाह थी आज सिर्फ वो बीस हजार रुपए की तीस हजार रुपए की तनख्वाह बीस हजार की चीजें खरीद सकती है आज जो डिवैल्युएशन हुई है सारी कौम का जो जैसे कहते ना जीडीपी क्योंकि जीडीपी डॉलर से मेजर होती है तो पर कैपिटल इनकम डॉलर से मेजर होती है वो सारी नीचे आ गई है इनके होते हुए जब सौर, तकरीब नवे, सौ तकरीबन नब्बे सौ नब्बे बाहर मार्केट में जाओ तो वो सौ रुपया के भी आ, से ज्यादा डॉलर महंगा हो चुका है तो जबकि एक कौम की दौलत में कमी हुई है ये जो सारे तीस साल से मुल्क का पैसा चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके गए हैं इनके एवनशील अपार्टमेंट और इनके मेफेयर में और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और वन हाइट पार्क और ये जो बाहर होटल खरीदे हुए हैं और इन्होंने बेनामी चीजें खरीदी हुई हैं बाहर बैंकों में ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे रखे हुए हैं कौम के लिए नब्बे रुपए उनकी उनकी दौलत में कमी अगर रुपए में पड़े हुए हैं और इनके बाहर पैसे में नब्बे रुपए इजाफा हो गया पाकिस्तान के मुकाबले में इनके पैसे में नब्बे रुपए ज्यादा अमीर हो गए इनको कोई फर्क नहीं पड़ा इसलिए इन्होंने आते साथ ही कभी कोई परवाही नहीं की कि क्या इनके इन्होंने अगर इनको साजिश के तहत बिठाई दिया था क्योंकि इमरान खान मुल्तबा कर रहा था तो इनको इन्होंने आके कोई रोड मैप देना था कि हमने मुल्क को कैसे ठीक करना है क्योंकि ये तो बड़े तजर्बा का हम तो जी साग डार ने कहा मैं रुपए को 200 डॉलर को नीचे लेके आऊंगा मैं आईएमएफ को सामने ये कर दूंगा बड़ी बड़के मारी मैं तजर्बाकार हूं आज ये बताएं कि इन्होंने मुल्क से क्या किया और जो इनके हैंडलर लेके आए थे उनसे जरा पूछें कि आपने ये मुल्क से क्या किया कौन जवाब दे आज आज जो अभी ये जो शुरुआत है अभी ये जो जो नब्बे रुपए डॉलर के जो गिरा है जो रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में अभी इसकी मजीद महंगाई आनी है जो एक टाइम थोड़ी टाइम के बाद जब आपका रुपया गिरता है तो जो बाहर से चीजें लेके आते हैं वो टाइम के बगैर बाद महंगी होनी शुरू होती है तो ना तो इन्होंने कोई तैयारी की नाहली इनकी ये है कि इन्होंने गलत फैसले कर करके मुल्क को आज यहां पूछा दिया है कि इस तरह का बजट लाना पड़ा और कोशिश कर रहे थे कि आरिफ अलवी के ऊपर सारा बोझ डाले पार्लियामेंट में भी नहीं चाहते थे कि डिबेट हो इसके ऊपर उससे कहते थे ऑर्डिनेंस साइन करो ताकि ये बच जाए कि पार्लियामेंट में इनके अपने लोग क्या ये जो बजट लेके आ रहे हैं वो क्या बोलेंगे इसके ऊपर कौम के ऊपर सारा बोझ खुद अपनी करप्शन के केसेस माफ और कोई आगे रास्ता भी नहीं है रोड मैप भी नहीं है मैं आखिर में यही बात करना चाहता हूं कि जो भी इनके बैकर्स हैं ये समझ जाएं कि इनके पास कोई अगला आगे का रास्ता नहीं है ये अगर समझ रहे हैं कि इससे आप आईएमएफ के डॉलर्स आ जाएंगे तो वो ये ऐसे समझें कि ये कैंसर का इलाज डिस्प्लिन से हो रहा है थोड़ी देर का थोड़ा सा आराम आएगा लेकिन कैंसर जब तक काट के निकाली ना जाए ये कैंसर फैलती जाएगी ये कर्जे बढ़ते जाएंगे आमदनी सुकड़ती जा रही है हमारी रिमिटेंसेज जो हमारे दौर में 17 फीसद इंक्रीज कर रही थी हमारी रिमिटेंस में 17 फीसद इजाफा हो रहा था जो इकतीस अरब पे पहुंच गई थी वो उनमें अब 11 फीसद कमी आ गई है तो पहले तो इजाफा खत्म हुआ और फिर 11 फीसद कमी आ गई यानी जो डॉलर्स आने थे से, वो कम हो गए हैं एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं हमारी तो हमारे पास तो जो आमदनी है वो तो सुकड़ती जा रही है फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं बेरोजगारी बढ़ रही है लेकिन कर्जे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि तो कर्जे ही लिए ना आई से और हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि और भी मल्टी नेटरल कर्जे देंगी तो वो तो कर्जे हैं तो ये हल तो नहीं है हल क्या है हल जो मैं तब से कह रहा हूं मैंने कोशिश भी की अपनी गवर्नमेंट खुद मैंने डिजॉल्व की अप्रैल में इलेक्शंस करवाने के लिए लेकिन पूरा प्लान बना हुआ था क्योंकि फैसला हो गया था इमरान खान बहुत खतर खतरनाक है इस मुल्क का मुल्क के लिए तो उस तब से वो ही अभी भी हाल है इस मुल्क में अगर हमने साफ और शिफाफ इलेक्शन ना करवाए एक पब्लिक मैंडेट से गवर्नमेंट ना आई जो कि पब्लिक जिसके पीछे खड़ी हो जिस गवर्नमेंट के वो गवर्नमेंट फिर मुश्किल फैसले करे वो जो मैं कैंसर को काट के निकाले मुल्क से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे जो आज मुल्क की जरूरत है रूल ऑफ लॉ कायम करें गवर्नेंस सिस्टम ठीक करें तब जाके यही जो क्राइसिस है ये हम फायदे में इसको कर सकते हैं ये जो हम दल दल में फंसे हुए हैं इसमें निकलते निकलते हम मुल्क को पूरी तरह उठा सकते हैं ये हमारा फायदा हो सकता है कि हम इस क्राइसिस का अगर इस क्राइसिस से मुल्क में इलाहत करें लेकिन वो गवर्नमेंट कर सकती है जिसके पास पब्लिक पीछे खड़ी हो जब आपके पास पब्लिक मैंडेट नहीं तो आप इन पी डी एम के ये जो ऊपर साठ फीसद लोग जमानत पे है करप्शन केसेस पे हैं और इनका सोल्यूशन ये है क्योंकि उनके पास तो हल कोई नहीं है इनका सोल्यूशन ये है कि इमरान खान के ऊपर साठ एफ आई आर काट दो पी टी आई के लोगों को जेलों में डालो उनको ऊपर करो उनको खौफ फैलाओ उनको डराओ धमकाओ और उनको आ, और इस तरह करो कि जब वो बिल्कुल पार्टी उनकी टूट जाए तो फिर इलेक्शन करवाओ वो होने नहीं लगा क्योंकि आप जितना ज्यादा दबाएंगे वो पार्टी उतनी और उठती जा रही है पब्लिक कोई बेवकूफ तो नहीं है पब्लिक तो फैसला कर बैठी है जिसकी वजह से डरे हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को बाहर करने के लिए मुल्क को तबाह ना करें ये आ, असल में जाना है हमारी सिक्योरिटी के ऊपर जो आज हमारे हालात हो गए हैं हमारे हम तो किसी के सामने आप खड़े भी नहीं हो सकते क्योंकि हमें तो उन्होंने मुल्क को उधर पूछा दिया तीन सौ अरब डॉलर से कम तो रिजर्व रह गए हैं हमारे पास क्या है कि अपने पैर पर खड़े हों किसी को कहें कि नहीं जी हमें पाकिस्तान की खुददारी चाहिए हम पाकिस्तान की सॉवरेंटी चाहिए हम कैसे कह सकते हैं जब मुल्क के हालात यहां पहुंचा दिए इसके लिए अपने मुल्क को बचाने के लिए तरीका ये नहीं है जो किया जा रहा है कोर्ट कह रहा है कि इलेक्शन करवाओ वो इलेक्शन कमीशन जनाब बैठी हुई है कहीं हम इलेक्शन नहीं करवाते वो बहाने मार रही है इलेक्शन के पाकिस्तान का आइन कहता है नब्बे तीन में इलेक्शन करवाओ ये कोई कोई बहाना मार है कोई कोई सिर्फ डरे हुए हैं इलेक्शन हारने से पाकिस्तान की आइन की वायलेशन जिस तरह की जा रही है और जिस तरह आगे प्लान बन रहा है ये जो भी लोग समझ रहे हैं कि इससे वो अपनी जाति फायदा उठा देंगे वो मुल्क को डुबो देंगे और मैं आज इसलिए ये कह रहा हूँ कि हम हम बड़े आराम से मुल्क के अंदर इस वक्त अगर हम चाहें इतनी बड़ी पार्टी है हम अगर वो मुजहरे करें और मुल्क बंद करने की कोशिश करें स्ट्राइक्स करें मुल्क तो आगे हालात बुरे हैं इसलिए हमने पुरमन ऐतजाज का फैसला किया कि हम जेल भरो तहरीक शुरू करने वाले हैं बताने के लिए कि आप इस तरह एक मुल्क को इस्तेमाल थोड़े से लोगों के जती मफाद के लिए नहीं कर सकते ये मुल्क 22 करोड़ लोगों का मुल्क है ये थोड़े से लोग इस मुल्क को अपने अपने मफादात के लिए तबाह नहीं कर सकते इसलिए हम जेल भरो तहरीक की पूरी तैयारी हैं मैं अनाउंस करने वाला हूं और लोगों को सिर्फ खौफ दूर करने के लिए कि ये समझते हैं कि खौफ फैला के जेलों में डाल के एफ आई आर करके ये इसी तरह बैठे रहेंगे और फिर किसी ना किसी तरह धांधली करके ये एक एक वो इलेक्शन कमीशन बेजमीर इलेक्शन कमीशन के जरिए एक जानेदा जानेबदार इलेक्शन कमिश्नर के लिए ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको इस्तेमाल करके किसी तरह फिर इन चोरों को मसलत कर देंगे, ये होने नहीं लगा मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है और मैं आखिर में अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूं फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूं और बात खत्म करता हूं कि देखें वह हम उस मोड़ पर खड़े हो गए हैं जिसका हम सबको खतरा था कि एक दिन जब से ये इम्पोर्टेंट हुकूमत आई है कि खुदा ना खास्त हम यहाँ ना पहुँचें हम वहाँ पहुँच गए हमारे सामने अब सिर्फ दो रास्ते हैं हम चुप करके अब इंतजार करें कि मजीद मुल्क तबाही की तरफ जाए या हम एक पुरमन एहतजाज की तहरीक के अंदर सब शामिल हों और बताएं इनको कि आइन और कानून के बगैर कोई दुनिया का माशरा नहीं चल सकता दुनिया का माशरे जितने भी हैं वो रूल ऑफ लॉ पे चलते हैं और रूल ऑफ लॉ आइन डिफाइन करता है और आइन आपको कहता है कि नब्बे दिन में इलेक्शन करवाई जाए इससे जि जितना आप पीछे हटते जाएंगे आप मुल्क को उधर धकेलते जाएंगे जिधर मुल्क जिसको कहते हैं बनाना रिपब्लिक जिधर जंगल का कानून होता है उधर मुल्क को धकेला जा रहा है हम ये कभी होने नहीं देंगे और मैंने सिर्फ अपने लोगों को भी सबको तैयार किया अपनी कौम को कि हम एक पुरमान एहताज के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि मुझे अभी तक कोई नीयत नहीं नजर आ रही इनकी आइन के ऊपर चलते हुए नब्बे दिन में इलेक्शन करवाने की पाकिस्तान जिंदाबाद